हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये पढ़ा था। साथ ही हमने शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ा था। इस अलंकार में हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार भी एक प्रकार का शब्दालंकार है। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब किसी काव्य में कविता में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है एवं प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। एक बार वापस रिपीट कर दूं मैं। जब किसी काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग-अलग हो और उस काव्य में चमत्कार पैदा होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। अब यमक अलंकार को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने सबसे जो कॉमन उदाहरण है वो लिया है। सबसे पहले, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बौराय। इन पंक्तियों में कनक शब्द दो बार आया है, कनक कनक ते 100 गुनी, और यहाँ दोनों कनक का अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है सोना, और दूसरा जो कनक है वो धतूरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर यमक अलंकार का चमत्कार है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई, यानी कनक में 100 गुना नशा होता, मादकता यानी नशा होता, बहुत अत्यधिक नशा होता है एक कनक के लिए। या खाए बोराए जग, यानी एक कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा। धतूरे को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, नशे में मदमस्त हो जाता है। वा पाए बोराए, और दूसरा कनक सोना है, उसको पाने से व्यक्ति पागल टाइप हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, उस पर नशा छा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यमक अलंकार है। एक और उदाहरण लेते हैं हम। तीन बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, तीन बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द दो बार आया है इस काव्य की पंक्ति में। बेर शब्द दो बार प्रयोग में हुआ है। पहली बार 3 बेर का अर्थ है दिन में 3 बार खाने से, और दूसरी बार जो 3 बेर आया है उसका अर्थ है 3 बेर यानी 3 फल खाने से, यानी वह दिन में 3 बार 3 फल खाती थी, 3 बेर खाती थी। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। और कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण और मैंने लिया है, काव्य की एक छोटी सी पंक्ति ली है। काली गटा का घमंड गटा, काली गटा का घमंड गटा। यहाँ गटा शब्द दो बार प्रयोग में आया है। पहली बार गटा शब्द का प्रयोग बादलों के काले रंग की ओर संकेत कर रहा है, काली गटा यानी काले बादल। दूसरी बार जो गटा शब्द आया है घमंड गटा, यह गटा शब्द बादलों के कम होने का वर्णन कर रहा है, यानी
काले बादल हैं उनका घमंड कम हो रहा है, यानी काले बादल धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है, इस वजह से इस काव्य की पंक्ति में एक चमत्कार पैदा हुआ। ये पंक्ति हमें पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही है। तो दोस्तों और भी कई उदाहरण हैं, जैसे ऊंचे गोर मंदर के अंदर रहनवारी, ऊंचे गोर मंदर के अंदर रहती है। तो दोस्तों आप यमक अलंकार का अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे, काव्य में कहाँ यमक अलंकार आता है ये आप अब पहचान भी सकते हैं। एक बार पुनः मैं इसकी परिभाषा को रिपीट कर देता हूँ। जब काव्य में कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार एक प्रकार का शब्दालंकार है। तो दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।